हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने एक्सिस डायरेक्ट अकाउंट से शेयर्स कैसे बेच सकते हैं। ऐसा एक वीडियो मैंने पहले इंग्लिश में किया था, उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है। उसी वीडियो पे मुझे कमेंट्स आया था कि मैं ये वीडियो हिंदी में भी करूं, इसलिए मैं ये वीडियो वापस से हिंदी इंस्ट्रक्शन के साथ कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप अपने एक्सिस डायरेक्ट अकाउंट में लॉग इन करोगे तो ऐसा एक स्क्रीन आपको मिलेगा, इसको हम वेलकम स्क्रीन बोलते हैं। यहाँ इक्विटीज एंड डेरिवेटिव्स के अंडर आपको बाय सेल लिमिट्स ऐसे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आप सेल पे सिलेक्ट करोगे या क्लिक करोगे। अभी सेल के अंडर आपको बहुत सारे फील्ड्स मिलेंगे या जो फील्ड्स आपको फिलअप करने हैं ताकि आपका शेयर आप बेचने के लिए ऑर्डर डाल सको, ये सारे आपको फील्ड्स यहाँ मिलेंगे। तो यहाँ आप सबसे पहले एक्सचेंज सिलेक्ट करोगे, एनएससी या बीएससी। एनएससी या बीएससी आप सिलेक्ट करो, इस पर डिपेंड करता है कि आपने जो शेयर खरीदा है जिस कंपनी का वो आपने कौन से एक्सचेंज से खरीदा है। अगर आपने एनएससी से खरीदा आप एनएससी डालोगे, अगर बीएससी से खरीदा है तो बीएससी डालोगे। एक बार आपने ये एक्सचेंज सिलेक्ट किया, इसके बाद आप इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे इक्विटी का ही ऑप्शन है। प्रोडक्ट में आप कैश, इंट्राडे, कॉल सेल, एन कैश या ई मार्जिन में से कोई सिलेक्ट कर सकते हो। मैं कैश डाल रहा हूँ ये सोच के कि आपने जो शेयर खरीदा था वो कुछ टाइम से आपके पास है और आप बस अभी किसी एक पर्टिकुलर अमाउंट पे बेचना चाहते हो। सिंबल में आप उस कंपनी का नाम डालोगे जिस कंपनी का आप शेयर बेचना चाहते हो। तो सोचिए कि अगर आप टाइटन का शेयर बेचना चाहते हो तो आप सिंबल में आप नाम टाइप करना शुरू करो, TITAN। तो आप देखिए यहाँ पे ऑलरेडी नाम पॉपुलेट होने लग गया है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे टाइटन कंपनी लिमिटेड है, आप ये सिलेक्ट करोगे तो कंपनी नेम ऑटोमेटिकली नीचे पॉपुलेट हो जाएगा। क्वांटिटी में आप नंबर ऑफ शेयर्स जो है आप बेचना चाहते हो वो आप मेंशन कर सकते हो। सोचिए आपने 10 डाला यहाँ पे। ऑर्डर टाइप में आप लिमिट या मार्केट डाल सकते हो। मार्केट अगर आपने डाला है तो नीचे ये मार्केट प्रोटेक्शन का ऑप्शन आता है, और अगर आपने लिमिट डाला है तो आपको लिमिट ऑर्डर का, लिमिट प्राइस का ऑप्शन मिलेगा। जनरली अगर आप देखोगे मार्केट पे डालने पे हमेशा पहले ही ऑप्शन नहीं आया करता था मार्केट प्रोटेक्शन का, बट आप चाहो तो ये डाल सकते हो एक परसेंटेज कि आप इतने पे प्रोटेक्शन लेना चाहते हो मार्केट से। मैं लिमिट ऑर्डर डाल रहा हूँ। लिमिट ऑर्डर अगर आप डालोगे तो आप यहाँ लिख सकते हो कि आप कितने अमाउंट में बेचना चाहते हो शेयर। आपको एक आइडिया लगने के लिए कि कितना अमाउंट पे आपको शेयर बेचना चाहिए आप गेट कोट के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ आपको दिखेगा कि इस शेयर का ओपनिंग प्राइस, हाई, लो, प्रीवियस क्लोज कितना हुआ है। तो जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ओपनिंग प्राइस 0, हाई 0, लो 0, ये सारे अमाउंट इसलिए है क्योंकि आपका मैं ये वीडियो जब बना रहा हूँ तो ये वीकेंड है और मार्केट क्लोज है, तो ये सारे वैल्यू 0 ही होंगे। यहाँ से आप एक आइडिया लेने के बाद आप एक लिमिट प्राइस डाल सकते हो। सोचिए आपने डाला है 310 रुपए, तो अगर आपका एक शेयर का प्राइस उतना पहुंचा तभी आप ये शेयर बेचना चाहोगे। ये सारे वैल्यूज फिल करने के बाद आप प्लेस ऑर्डर डाल सकते हो। ये करने के बाद आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे लिया जाएगा जहां पे आपसे कंफर्मेशन मांगा जाएगा कि आप ये ऑर्डर करना चाहते हो। आप ओके करोगे तो ये ऑर्डर एक्सचेंज में प्लेस हो जाएगा। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, ऑनलाइन एक्सिस डायरेक्ट अकाउंट से शेयर्स बेचना इतना ही आसान है। आप चाहे तो मुझे अपने क्वेरीज या कमेंट्स कमेंट सेक्शन पे डाल सकते हैं। थैंक यू।